कुमकुम शिवजी का कौनचड़ है, दुर्वा दुर्गा का कौनचड़ है, दुर्वा दूब बड़ बिंगू पर प्रसाद ने या मुट्ठी में भरे हो तो बिल पत्र सागे और वो प्रसाद लियो और बन देखो कोई जाग नहीं जावे, शिवजी को ऊपर कर दौड़ियो, शिव निर्माल ने पड़े बिंगू उल्लंघन करो और ऊपर कर दौड़ गए, अरे जावन लागो तो किंग सारा लात लागी पैर लागी, अरे अचानक वो जागियो और बोले चोर 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 सारा खड़े होकर चोर चोर को शोर मचियो, गुणनिधि दौड़ियो और खूब तेजी में दौड़ियो, पत्थर की ठोकर लागी पड़ियो, माथो पत्थर पर टिको, माथो फूट गयो, खून आयो और प्राण निकल गया, पंचामृत पीड़ो हाथ में बिल्व पत्र और नैवेद्य हो भगवान को प्रसाद। यमदूत लेवण आया ले जाने वास्ते भी समय, लेकिन बीस में शिवजी का गण भी आ गया। यमदूता ने कहो ओ मारो है, ओ माल मारो है, यमदूत कह ओ माल मारो है, ओ पापी है दुष्ट है, आज तक अन भगवान को नाम लियो को नहीं और अभी अभी शिव निर्माल्य को उल्लंघन करके आए हुए, शिव निर्माल्य को उल्लंघन कर गए हुए, शिवजी पर चढ़े हो देखो चीज हुए, चाहे पुष्प है चावल है चंदन है जल है दूध है दही है कुछ भी है, जो को उतर के नाली में जावे उतर जावे भी को नाम निर्माल्य हुए, भी निर्माल्य को प्रसाद तो ले सको लेकिन भी निर्माल्य को ऊपर कर कौन टिप्स को, ऊपर कर टिप जावे तो पुण्य नष्ट हो जावे, निर्माल्य ऊपर कर चले जावे तो पुण्य नष्ट हो जावे, ई वास्ते वो उतरेड़ो जल आदि जी तो सामान है भी सारा सामान इसी जगह डालना चाहिए कि कोई ऊपर कर नहीं जावे, कोई पेड़ की जड़ में बहती नदी में कोई जल को स्थान हो अभी में कोई इसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भी ऊपर कर नहीं टिपनो पड़े। एक पुष्प दंत जी सिद्ध गंधर्वा भगवान शंकर का बड़ा उपासक, कोई सापवश भगवान शंकर सिंह हटके पृथ्वी पर आएडा, एक राजा के बगीचे में बड़ा सुंदर पुष्प और भगवान शंकर ने पुष्प जान वास्ते ए सुबह जल्दी जागे चार बजे और पुष्प चुन के लिया तार भगवान शंकर की पूजा करता, राजा जब थोड़ी देर के मैं पूजा करतो पुष्प को नहीं मिलता, राजा नौकरा ने डांटतो और पुष्प क्यों को नहीं मिले, शाम ने पुष्प हुआ दिन के पुष्प कर चले जावे, मैं कह जी माने ठा को नहीं पुष्प तो शाम न हुए सुबह को नहीं हुए, मैं तो जब जावान बगीचे में पुष्प को नहीं हुए तोड़े डवा की गए, राजा समझदार हो राजा देखियो कोई सिद्ध पुरुष अदृश्य हो गए और पुष्प तो तोड़ के ले जाए, वहां शिवजी को निर्माल्य बाप पोदांगा करने छिड़कवा दियो शाम ने, पुष्प दंत जी आया मन के ठाट निर्माल्य छिड़कड़ो और निर्माल्य को उल्लंघन करके पुष्प तोड़ने लगे, बांगी बस शक्ति खत्म हो गई और पुष्प दंत जी प्रकट हो गया, अरे पहरेदार देखिया तो पुष्प दंत जी बा वापस शक्ति लाने वास्ते शिव महिमन स्तोत्र लिखियो, महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्यसदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदव सन्नास्वैः अथवाच सरस्वति परिणामावधिगृणन्। श्लोक लिखा करीब 33 ओंकारेश्वर कदि जाओ, ओंकारेश्वर ममलेश्वर दो नदी के बीच बीच में नदी आगे दो शिवलिंगा के बीच में दोनों का दर्शन करा जे एक ज्योतिर्लिंगा दर्शन पूरा हुआ है, ममलेश्वर शिवलिंग में मंदिर जो है बिंग अंदर वो खुदेड़ है पत्थर पर महिमन स्तोत्र रोजाना पाठ करना चाहिए बड़ो सुंदर है, और जो स्तोत्र बोलियो
जद बम शक्ति वापस आई उस दंजी में, तो निर्माल्य को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो भाई यमदूत कहे अभी अभी शिव जी का निर्माल्य के ऊपर कूद गए हुए, उल्लंघन कर गए, पुण्य तो पहला ही कौन करेगा, और शिव निर्माल्य को उल्लंघन भी कर चुके हैं, ई वास्ता ओ मारू है एक गुण ने दिन तो मैं ले जावांगा। गण बोलिया शिव जी का, बोले चाहे अण कुछ करेड़ो है, अभी अभी तो पंचामृत पियो है, और इंगे हाथ के अंदर शिव जी को प्रसाद है, और क्या समेत है, बिल पत्र समेत है इंगे हाथ में मुट्ठी में, और मरते समय इंगो जो को कार्य है अणिंगा सारा पाप जला दिया, ई वास्ते इन तो मेल ले जावांगा। अब यमदूत बेचारा के ग्रह ले गया, आपका खाली उठ गया, और गुण निधि ने शिव जी कन ले गया, शिव का दूत भगवान शिव कने जब ऐ चले गया गुण निधि जी, तो अंग मन भी इसमें पवित्र हो गयो। इंगे बाद में इंगे प्रभावशी भगवान आने कलिंग देश में जन्म दे दियो, और कलिंग देश का ए राजा बनया अरिंदम का पुत्र दम, लेकिन अन ई जन्म में भी याद रही आ बात कि मैं राजा को पुत्र बन गए, राजा किया बन गयो, जद राजगद्दी पर बैठा दम तो आदेश जारी कर दियो कि कोई भी मेरे राज्य में शिवजी को मंदिर दीपावली बिना न रवे, रोजाना दिया की दीपावली करने लग गया, क्योंकि आपको कुर्तियों पाड़ गए और भगवान को ऊपर की छाया अंधेरे की पड़ी भी वो निवारण करे कुर्तिये के द्वारा, कमीज फाड़ गए जला गए बत्ती बना गए। इन वास्ते अन्य दीपावली कराने को शौक हो, और पूरे राज्य के अंदर व्यवस्था कर दी कि दीपावली करी जावे। दीपदान की वासना सुयुक्त होने के कारण जन्मांतर में फिर ए दमजी जगह अलकापुरी का स्वामी होया, अगले जन्म में तीसरे में अलकापुरी का स्वामी होया कुबेर जी। देखो भगवान शिव खातर करोड़ थोड़ो सो भी पूजन या आराधन समय के अनुसार बड़ो महान फल देवे, ई वास्ते हमेशा शिव को पूजन और भजन करना चाहिए। अब देखो कोई गुण निधि हो और भी गुण निधि के द्वारा ईशो कोई काम हो गयो और कुबेर बन गयो, तो आपने क्या फर्क पड़ा है, आपने क्या फर्क पड़ा है, वो तो हो गयो। लेकिन यह ग्रंथ जगह है ए दो बात कब है, हमेशा एक कभी को नहीं कब है, एक तो आ घटना बताई कुबेर की उत्पत्ति की, इंग साग उपदेश के दिए रहे, उपदेश दे रहे अपन के उपदेश दिए, देखो विचार करो, एक गुण निधि की बात को नहीं आ, तो जीता प्राणी है वह सारा गुण निधि है, और अनंत जन्म से पाप ही पाप तो करियो, थोड़ो गुणों कोई पुण्य करियो, ज्यादा को दे पुण्य को निगरड़ो। अगर पहला ज्यादा पुण्य कर लियो तो आज पैदा हो गए थे बैठे क्यों होता, मैं तो क्यों कथा सुनाता और थे कथा क्यों सुनता, स्थिति को नहीं आती है।